trust me, Priya. With my life. आज हम लोग बात करेंगे दुनिया के कुछ बेहतरीन साइंस फिक्शन वेब सीरीज की जो बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट पर बनी है, और मैं 100% श्योर हूँ कि आप लोगों ने शायद ही इन सब वेब सीरीज का नाम पहले सुना होगा। हमारे इस वीडियो में टोटल 10 वेब सीरीज है जिसको मैंने IMDb के अकॉर्डिंग सेट किया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किस फायदे के। हमारी 10th वेब सीरीज है वी वॉज। ये वेब सीरीज आई थी 2019 में। इस वेब सीरीज की कहानी शुरू होती है दो दोस्तों से जो लोग मिलकर कहीं पर जाते हैं, लेकिन वहां पर ये लोग एक बहुत ही खतरनाक वायरस से एक्सपोज हो जाते हैं। इन दोनों में से एक को उसका इफेक्ट होता है और दूसरे पर नहीं होता। इसी तरह वायरस पूरी दुनिया के अंदर फैल जाता है। कुछ लोगों के ऊपर उसका इफेक्ट होता है और कुछ लोगों पर नहीं होता, जिसकी वजह से जिन लोगों को इस वायरस का इफेक्ट हुआ है वो लोग वैम्पायर्स के अंदर बदल जाते हैं, जो इंसानों का खून पीकर जिंदा रहते हैं। अब इंसानों और वैम्पायर के बीच एक सर्वाइवल की वॉर चल रही है, क्योंकि अगर इंसानों को जिंदा रहना है तो उन्हें वैम्पायर को पूरी तरह से इस दुनिया से खत्म करना होगा, और दूसरी तरफ अगर वैम्पायर को जिंदा रहना है तो उनको इंसानों को हराना होगा। तो इन दोनों में से कौन जीतता है, खुद आप इस वेब सीरीज के अंदर देखिए। ये वेब सीरीज हिंदी में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स मिले हैं 6.1 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट वेब सीरीज है लूक केज। ये वेब सीरीज आई थी 2016 में। इसकी कहानी शुरू है एक आदमी से जो एक कैदी होता है और ये एक जेल के अंदर बंद होता है। वहाँ पर कुछ लोग इसके ऊपर इलीगल एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। लेकिन उस एक्सपेरिमेंट से इस आदमी को अनब्रेकेबल स्किन मिलती है और साथ में सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ मिलती है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है और ये उस जेल को तोड़कर भाग जाता है। US में हार्ले नाम के शहर में रह रहा होता है ताकि लोगों को ना पता चल जाए कि ये एक कैदी है और ये एक जेल तोड़कर भागा है। ये एक आम जिंदगी जीना चाहता है, लेकिन इसका पास्ट इसका पीछा नहीं छोड़ता, फिर से इसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और ना चाहते हुए भी इसको अपना सुपर पावर का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसमें आगे क्या होता है ये आप इस वेब सीरीज के अंदर देखिए। इसके 2 seasons आए हैं जिसमें से एक हिंदी में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स मिले हैं 7.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट वेब सीरीज है अंडर द डोम। ये वेब सीरीज आई थी साल 2013 में। ये एक ड्रामा और साइवी वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज की कहानी शुरू होती है एक छोटे से टाउन से, जहां पर एक अजीब से गोलाकार बॉल जैसी चीज उस टाउन को अपने अंदर कवर कर लेती है और वो पूरा टाउन बाकी के जगह से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड हो जाता है। वहां से कोई भी बातचीत नहीं कर सकता दूसरी जगह पर। अब ये पूरा टाउन एक डोम के अंदर कैद हो गया है। वहाँ से अब कोई भी बाहर नहीं जा सकता है। बाहर के लोग और अंदर के लोग बहुत कोशिश करते हैं इस डोम को तोड़ने के लिए, लेकिन वो सब लोग इसमें असफल रहते हैं। आखिर ये डोम यहाँ पर किसने बनाया है, क्यों बनाया है, वो सब कुछ आप इस वेब सीरीज के अंदर देखिए। और क्या ये लोग कभी इस डोम से बाहर निकल पाएंगे, वो सब भी आप लोग इस वेब सीरीज के अंदर देखिए। ये वेब सीरीज हिंदी में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स मिले हैं 6.6। तो क्या हमें सच बताना चाहिए। हमारी 4th वेब सीरीज है लॉस्ट इन स्पेस। ये वेब सीरीज आई थी 2018 में। ये एक एडवेंचर ड्रामा फैमिली और साइवी वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज की कहानी शुरू होती है अर्थ से, जहां से कुछ इंसानों को चुना जाता है कि उन लोगों को एक बहुत बड़ी स्पेस मिशन पर जा सके, क्योंकि एक बहुत बड़ा स्पेस स्टेशन बनाया गया है जिसके अंदर इंसानों को बैठा कर भेजा जाने वाला है, जिसके बाद इंसान मल्टीपल एंट्री स्पाइसेस बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह आती है कि एलियंस इनके स्पेस स्टेशन के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद जितने भी जो लोग हैं वो लोग अपने छोटे छोटे जो स्पेस शिप्स हैं उनके अंदर बैठकर भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसी समय वहाँ पर एक वॉर्म होल बन जाता है, जिसके बाद सब लोग दूसरी गैलेक्सी के अंदर चले जाते हैं। उसी में से एक है रॉबिनसन्स फैमिली, जो लोग एक अनजान गैलेक्सी के अंदर अनजान सोलर सिस्टम के अंदर और अनजान ग्रह पर आकर क्रैश होते हैं। आगे इन लोगों के साथ क्या होता है, आखिर एलियंस ने इन लोगों के ऊपर हमला क्यों किया, और ये लोग कौन से ग्रह पर हैं, और क्या ये लोग वापस कभी अर्थ पर पहुंच पाएंगे या नहीं, वो सब कुछ आप इस वेब सीरीज के अंदर देखिए। ये वेब सीरीज हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसे रेटिंग्स मिले हैं 7.1 आउट ऑफ 10। हमारी नेक्स्ट वेब सीरीज है कैसल रॉक। ये वेब सीरीज आई थी 2018 में।
इस वेब सीरीज की कहानी शुरू होती है 12 साल के एक लड़के से जो अचानक से गायब हो जाता है, कहीं भी उसका कोई पता नहीं चलता, लेकिन करीब 18 दिन बाद वो मिलता है। लेकिन यहाँ पर सबसे हैरान कर देने वाली बात यह होती है कि ये 18 दिन तक बर्फ में जमे रहने के बाद भी जिंदा कैसे बच गया और उसको कुछ भी याद नहीं होता कि वो 18 दिन तक कहाँ पर था। आखिर इस टाउन की मिस्ट्री क्या है, वो सब कुछ आप इस वेब सीरीज के अंदर देखिए। इसके 2 सीजन आए हैं और ये दोनों हिंदी में अवेलेबल हैं। इस वेब सीरीज को रेटिंग्स मिले हैं 7.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट वेब सीरीज है द मजिशियंस। ये वेब सीरीज आई थी 2015 में। ये एक ड्रामा फैंटेसी वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज के अंदर कहानी दिखाई गई है कुछ लोगों की, जिन लोगों को ये लगता था कि बचपन में उन्होंने जितनी भी कहानियां सुन रखी है मैजिकल वर्ल्ड के बारे में, मैजिक के बारे में, वो सब एक कल्पना है। एक दिन उनको कि वो सब केवल कल्पना नहीं है, वो सब हकीकत है। इन लोगों को मौका मिलता है मैजिकल स्कूल में जाने का, जहां पर जाने के बाद इन लोगों को पता चलता है कि जितनी भी चीजें सुनी थी मैजिक के बारे में, जो भी अमेजिंग चीजें सुनी थी, उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक है मैजिक। और इस मैजिक के कारण अब पूरी दुनिया बहुत बड़े संकट में है। आखिर वो संकट क्या है, आप वो इस वेब सीरीज के अंदर देखिए। इस वेब सीरीज को रेटिंग्स मिले हैं 7.6 आउट 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट वेब सीरीज है अपलोड। ये वेब सीरीज आई थी 2020 में। ये कॉमेडी मिस्ट्री साईफाई वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज के अंदर कहानी दिखाई गई है एक आदमी की, जिसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बचने की कोई भी उम्मीद नहीं होती, सबको पता होता है कि ये कुछ ही समय में मर जाएगा, जिसके बाद उसके दोस्त मिलकर कॉन्शियसनेस को अपलोड कर देते हैं वर्चुअल वर्ल्ड पे, जहां पर मरने के बाद वो आफ्टर लाइफ को जी सकता है। वो जो चाहे वो वहां पर कर सकता है। आप लोगों ने शायद ही इस तरह की वेब सीरीज को पहले कभी देखा होगा। ये वेब सीरीज इंग्लिश में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स मिले हैं 8 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट वेब सीरीज है लिमिटलेस। ये वेब सीरीज आई थी 2015 में। ये एक क्राइम ड्रामा वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज की स्टोरी 2011 में ब्रैडली कूपर की आई लिमिटलेस मूवी के 4 साल बाद से शुरू होती है। इस वेब सीरीज के अंदर कहानी दिखाई गई है एक 28 साल के लड़के की, जो वही पिल ले लेता है, वही गोली लेता है, जिसके वजह से उसके अंदर सुपर ह्यूमन इंटेलिजेंस आ जाती है, जिसकी वजह से वो अपने दिमाग का उन हिस्सों का भी यूज कर सकता है जो एक आम इंसान नहीं कर सकता, जिसके वजह से ये काफी इंटेलिजेंट हो गया है। और ये अब मदद कर रहा है FBI की, ताकि FBI के साथ मिलकर ये मर्डर केस सॉल्व कर सके। इस वेब सीरीज के अंदर आपको ब्रैडली कूपर भी देखने को मिल जाएंगे। ये वेब सीरीज आपको हिंदी में मिल जाएगी। इसे रेटिंग्स मिले हैं 7.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट वेब सीरीज है आउटलैंडर। ये वेब सीरीज आई थी 2014 में। ये एक फैंटेसी साईफाई वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज में कहानी दिखाई गई है इंग्लिश कॉम्बैट नर्स, जो 1945 में अपने पति के साथ हनीमून बिता रही होती है, लेकिन उसी बीच इसके साथ एक अजीब घटना घटती है, जिसके बाद ये टाइम में बहुत पीछे चली जाती है, लगभग 202 साल पीछे पहुंच जाती है 1743 में। अब आगे इसके साथ क्या होता है और अब इसे किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ये क्या कभी अपने वापस रियल टाइम पहुंच पाएगी या नहीं, वो सब कुछ आप इस वेब सीरीज के अंदर देखिए। ये वेब सीरीज इंग्लिश में अवेलेबल है। इसे रेटिंग्स मिले हैं 8.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी काउंटडाउन की फर्स्ट वेब सीरीज है लव डेथ और रोबोट्स। ये वेब सीरीज आई थी 2019 में। ये एक एनिमेशन शॉर्ट साईवी वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज के अंदर टोटल 18 एपिसोड है और 18 के 18 एपिसोड के अंदर आपको अलग अलग स्टोरी देखने को मिलेगी। मतलब इस वेब सीरीज के अंदर आपको 18 शॉर्ट मूवीज देखने को मिलेगी, जिनकी लेंथ 20 से 22 मिनट के बीच में होगी। आज तक आपने पूरी जिंदगी में जितने भी तरह के एनिमेशन स्टाइल कार्टून्स देखे होंगे, उन सभी तरह के इस वेब सीरीज में आपको देखने को मिलेंगे। इस वेब सीरीज के अंदर आपको हर एपिसोड के अंदर एक अलग सा एनिमेशन स्टाइल देखने को मिलेगा। ये वेब सीरीज केवल साइंस फिक्शन नहीं, ये वेब सीरीज हॉरर मिस्ट्री बहुत सी तरह के जॉनर पर बानी हुई है, जो कि हिंदी में अवेलेबल है। इस वेब सीरीज को रेटिंग्स मिले हैं 8.5 आउट ऑफ 10 IMDb पर।